आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू होगी। नामांकन के लिए जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन कलेक्ट्रेट में होंगे, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होने में कुछ ही घंटों का समय शेष है। यहाँ जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल होंगे, जो एडीएम सिटी न्यायालय, जिलाधिकारी न्यायालय, नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय और अपर नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल किए जाएंगे, जिसके लिए यहाँ बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं, ये बैरिकेडिंग खड़ी की गई है। जिस दिन से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी, उस दिन यहाँ सिर्फ जो उम्मीदवार हैं, उनके प्रस्तावक हैं, उनको ही ये इस नॉमिनेशन कक्षों की ओर जाने का मौका मिलेगा। अन्य सभी लोगों को यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आपको बता दें कि 3 और 4 अप्रैल को आगरा में त्रिस्तरीय पंचायत पदों की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पहले चरण में 15 अप्रैल को मतदान है, जिसके लिए जिला प्रशासन की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। प्रत्येक एसीएम यानी एसीएम फर्स्ट सेकंड थर्ड और एसडीएम अमित काले की यहाँ ड्यूटी सहायक निर्वाचन अधिकारी के तौर पर लगाई गई है। जिला पंचायत के निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह को बनाया गया है। तो नामांकन प्रक्रिया की आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। जो भी प्रत्याशी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करेगा, उन सभी के नॉमिनेशन निरस्त भी किए जा सकते हैं, ऐसा इस बार आदर्श आचार संहिता में दिशा निर्देश दिया गया है। जिला मुख्यालय से अपने साथी इंद्रजीत के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।